सिग्निफिकेंस एंड रोल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक पॉलिसी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है गवर्नमेंट एक्टिविटी का। इसमें जो कॉन्सेप्ट पब्लिक पॉलिसी वो बताया जा रहा है कि ये लाइफ का एक क्षेत्र है जिसमें ये प्राइवेट और प्योरली जो है इंडिविजुअल नहीं है। मतलब अगर हिंदी में कहें तो जो निजी या विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि ये आम है, कॉमन है सबके लिए। जैसे डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सेवा करने के लिए या सर्व करने के लिए पब्लिक पॉलिसी के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, ठीक है ना। और उन उद्देश्य को अब हम देखेंगे कि क्या है। तो इसमें यही मतलब बताया गया है, और उसके बाद हम देखेंगे कि थ्योरेटिकल एंड साइंटिफिक रीज़न क्या है इसके पीछे, ठीक है। तो मेनली क्या है यहाँ पे कि स्टडी पब्लिक पॉलिसी सो दैट वन कैन नो मोर अबाउट द प्रोसेस। यहाँ पे यही समझाने की कोशिश की जा रही है। फर्स्ट जो है हमारा थ्योरेटिकल और साइंटिफिक रीज़न में ये बताया जा रहा है कि जो एडर्सन है 1975 में, उन्होंने उदाहरण के लिए एडर्सन जो है 1975 में उन्होंने ये मतलब तर्क है, उनका ये तर्क है कि कोई व्यक्ति पब्लिक पॉलिसी का स्टडी तब करता है या करता है इसलिए क्योंकि वह इसके प्रोसेस के बारे में जान सके, ठीक है ना। इसके प्रोसेस क्या है इसके बारे में वो जान सके और इसको नॉलेज इकट्ठा कर सके, ठीक है ना। प्योर साइंस के लिए नॉलेज की खोज और जो अप्लाइड विज्ञान है या साइंस है उसके लिए बहुत गहराई से मतलब जान सके, नॉलेज इकट्ठा कर सके। यह मेनली क्या है कि पब्लिक पॉलिसी जो है या पब्लिक पॉलिसी के नीति के निर्णयों के कारण और परिणामों के बारे में, जो नीति है ठीक है ना, जो पॉलिसी है उसमें क्या निर्णय और उसके परिणाम क्या होने वाले हैं, अधिक ज्ञान और समझ हासिल करने में मतलब आपको क्या है कि एक कुशल बनाता है आपको ये कि किस नीति का जो निर्णय जो लिए गए हैं वो क्यों लिए गए नीति के लिए और उसके परिणाम क्या होने वाले हैं उसके बारे में आपको नॉलेज देता है। और यह आपको क्या है कि एक कैपेबल बनाता है इसको समझने में, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या है कि इनका मानना यही है कि पॉलिसी के बारे में हमें जानना, ये प्रोसेस के बारे में मिली हमें जानने के बारे में बताता है। तो मेनली इसका मकसद यही है कि हमें समझाना कि हम अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर मतलब जो एडवाइस या नॉलेज हमें देता है, ठीक है ना, कि हम कैसे पॉलिसीज़ को, ठीक है ना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे करता है, ये दोनों चीज़ें कैसे करती किसी पॉलिसी को सेफ, ठीक है, जो पॉलिसी के कंटेंट होते हैं उसको कैसे सेव करती है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे इन मतलब हेल्प करती है इन पॉलिसीज़ के कंटेंट को सेव करने में। और क्या है इसमें कि अगर दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो ये पब्लिक पॉलिसी जो है, जो स्टडी है पब्लिक पॉलिसी का, ये हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल एडवाइस। प्रोफेशनल एडवाइस को जो हमारे अंदर डेवलप करना है उसमें ये मदद करता है और जो हमारे पर्टिकुलर जो गोल है उसको अचीव करने में मदद करता है। और मेनली क्या है कि हाउ गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटी कैन एक्ट टू अचीव देयर गोल, ये मेनली इसी से संबंधित है कि कैसे जो है गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटी अचीव करती है अपने गोल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को समझा थ्योरेटिकल एंड साइंटिफिक रीज़न के बारे में कि थ्योरेटिकल और साइंटिफिक रीज़न में मेनली ये एक मतलब प्रोसेस बताता है कि कैसे गवर्नमेंट और अदर जो है प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपने
पॉलिसीज़ बना के कैसे गोल को अचीव करता है, ठीक है ना। जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो कैसे हेल्प करता है सेव करने में, जो कंटेंट है पॉलिसी का, किसी भी पॉलिसी का कंटेंट है उसको सेव करने में कैसे मदद करता है और कैसे हेल्प करता है उसको अचीव करने में जो गोल है तय किया गया है, और एक प्रोफेशनल एडवाइस को अपने डेवलप करने में कैसे मदद करता है आपके अंदर, जब आप इस चीज़ को पढ़ते हो तो। इसके बाद हम पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न देखते हैं कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न क्या है। इसके पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न पब्लिक पॉलिसी के, ठीक है ना, तो इसमें यही समझाया जा रहा है कि जो मतलब पॉलिटिकल जो लोग हैं, ठीक है ना, वो पॉलिटिकल पीपल जो है वो क्या करते हैं, मेनली पॉलिसीज़, पब्लिक पॉलिसी का स्टडी क्यों करते हैं। वो पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी का स्टडी इसीलिए करते हैं कि उनको मतलब क्या कहते हैं कि कैसे गोल अचीव करना है इसको, उसको समझने के लिए, ठीक है ना। और इसके अल्टरनेटिव जैसे इसको कैसे और अच्छे से मतलब लागू करना है, और नॉलेज जो ये इस चीज़ की पब्लिक पॉलिसी की स्टडी करके प्राप्त करते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं कि कैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन में इसको लागू कर सकते हैं और अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को चला सकते हैं। सच एस जो भी इशू होते हैं पब्लिक इम्पोर्टेंस और कंसर्न होता है जो भी, ठीक है ना, अगर हिंदी में कहें तो मूल्य और सार्वजनिक निर्माण में परिवर्तन से संबंधित है ये, ठीक है। मेनली क्या है कि ये जो पॉलिटिकल लोग है ये अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करते हैं कि इसकी स्टडी करते हैं, नॉलेज लेने के लिए कि हम कैसे मतलब इसकी राजनीतिक जो पॉलिटिकल जो उनके एम होते हैं, ठीक है ना, उसके लिए वो क्या करते हैं, राजनीतिक पॉलिटिकल एम वाले लोग पब्लिक पॉलिसी का स्टडी करते हैं यह जानने के लिए कि अपने जो उनके खुद के पसंदीदा नीति है ये पॉलिसी है, उन विकल्पों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं। और नीति जो है, पॉलिसी जो है, उसका एनालिसिस के अध्ययन के माध्यम से उन्होंने जो मतलब नॉलेज प्राप्त किया है, ठीक है ना, मतलब स्टडी के माध्यम से या स्टडी के द्वारा जो भी उन्होंने नॉलेज प्राप्त किया है, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ऐसे मुद्दों में सक्षम करेगा, हम कह सकते हैं हिंदी में हम कह सकते हैं कि सक्षम करेगा जो सार्वजनिक जो है, पब्लिक जो है, महत्व के लिए बहुत ही मूल्यवान होगा, हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ समझाने की कोशिश है कि जो पब्लिक पॉलिसी है वो पॉलिटिकल जो लोग हैं जिनको गोल होता है ये चीज़ समझने का कि भाई पब्लिक पॉलिसी क्या है, कैसे लागू करते हैं, वो चीज़ वो लोग इस चीज़ को स्टडी करते हैं, इस चीज़ समझने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे लागू करना है और इस चीज़ सब चीज़ को समझने के लिए। इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक है, रिप्रेजेंटिंग पावरफुल अप्रोच फॉर इम्प्रूविंग इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम, इसे मेनली यही बता रहा है कि जो पब्लिक पॉलिसी है, जैसे हम एनालाइज करते हैं कि जो चीज़ पब्लिक के इंटरेस्ट में है, ठीक है ना, गवर्नमेंट क्या करती है कि इस चीज़ को, इस चीज़ पे फोकस करती है कि जो चीज़ पब्लिक के इंटरेस्ट में उस चीज़ को कैसे हम मतलब लाए, ठीक है ना, जिससे कि पब्लिक का और अच्छा और विकास हो सके, सबकी ज़िंदगी सही से चल सके। तो पब्लिक के प्रॉब्लम को देखते हुए क्या करती है, पब्लिक पॉलिसी का निर्माण करती है जिससे पब्लिक के इंटरेस्ट या पब्लिक का जो प्रोटेक्शन हो सके उसको और बढ़ाया जा सके, पब्लिक के इंटरेस्ट को बढ़ाया जा सके। और मेजर जो भी है इसके रोल और पब्लिक पॉलिसी के फंक्शन है ये यही है, और एम जो इसका यही है कि सोसाइटी को बेटर बनाना, ठीक है। और जो जितने भी पॉलिसी बनाए जाते हैं, जितने भी बहुत अधिक से अधिक पॉलिसी जो बनाए जाते हैं वो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए ही बनाए जाते हैं कि समाज में कैसे हम मतलब डेवलपमेंट को प्राप्त करें। और मैनी पॉलिसी, जो बहुत सारे पॉलिसी हैं वो
उनको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जैसे रेगुलेटिंग एक्ट और लैंड पॉलिसी, ये सब पॉलिसी हम ले सकते हैं, इस तरीके के पॉलिसीज़ हैं। और इस सब चीज़ों को इसीलिए लाया जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स अमेंडमेंट्स एक्ट जो है, फॉरेस्ट राइट्स जो है, ये सारी चीज़ें हैं इसलिए है कि लोगों के कल्याण के लिए यूज़ किया जा सके इनका। और इसमें तो यही चीज़ समझाया गया हमें, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा टूल फॉर शेपिंग फ्यूचर है, तो ये क्या करता है कि ये हम इसमें पढ़ेंगे कि अ टूल फॉर सेविंग फ्यूचर में, तो एक फील्ड के रूप में अगर देखा जाए, इसमें हम यही पढ़ेंगे कि एक फील्ड के रूप में अगर देखा जाए तो जो ये क्या है कि पब्लिक पॉलिसी क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट मतलब मैकेनिज़म है, ठीक है ना, जो क्या करता है कि फ्यूचर को सेव करने में मदद करता है, और सेव करने में मदद के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण तंत्र है, ठीक है ना। हम यही कह सकते हैं, मैकेनिज्म मतलब हम तंत्र कह सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा क्या करता है कि मदद करता है हमें। और ये अतीत के बारे में हमें क्यों पढ़ना चाहिए, यहाँ पे ये बता रहा है। तो अतीत के बारे में हमें इसलिए पढ़ना चाहिए कि अतीत को पढ़ के ही हम भविष्य को आकार दे सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं भविष्य को, ठीक है ना। इट इज़ अ कंडीशन बाय द पास्ट एंड कंसर्न विद शेपिंग द फ्यूचर फॉर सोसाइटल बेटरमेंट। तो पास्ट को पढ़ के ही, पास्ट की चीज़ों को जान के ही हम सोसाइटी के मतलब आने वाले जो भविष्य है उसको अच्छा बना सकते हैं। पास्ट क्या है कि पास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है पढ़ना, ठीक है ना। स्टडी ऑफ द पास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या करता है ये हेल्प करता है एक्सप्लेनिंग द प्रेजेंट पॉलिसी सिस्टम, प्रेजेंट पॉलिसी जो सिस्टम है उसको एक्सप्लेन करने में मदद करता है। द पास्ट पॉलिसीज, ये क्या है कि प्रेजेंट फ्यूचर पॉलिसीज मतलब जो, और स्टडी ऑफ पब्लिक पॉलिसीज वाइटल और इम्पोर्टेंट फॉर द प्रेजेंट एट ए डील विद द डिफाइनिंग पॉलिसी प्रॉब्लम। जो भी चीज़ें हैं मतलब हमें पास्ट क्यों पढ़ना चाहिए, पास्ट इसलिए पढ़ना चाहिए कि हमें फ्यूचर अच्छा बनाना है इसलिए, और प्रेजेंट की समस्याओं को देखते हुए हमें फ्यूचर के लिए काम करना चाहिए, जो प्रॉब्लम हो रही है उसको अच्छे से सॉल्व करके और आगे वो प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हमें काम करना चाहिए। तो इसीलिए फ्यूचर को सेव करने के लिए पब्लिक पॉलिसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये एक तंत्र के रूप में काम करता है हमारे फ्यूचर को सेव करने के लिए, ठीक है। तो मेनली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है के रूप में काम करता है। और यही चीज़ें हैं इसमें। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो सिग्निफिकेंस है वो पब्लिक पॉलिसी का वो क्या क्या है। सिग्निफिकेंस पहला है साइंटिफिक रीज़न, जो हमें क्या प्रोसेस बताता है कि पब्लिक पॉलिसी का प्रोसेस क्या है। और इसमें हम यही पढ़ते हैं कि हम अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कोशिश करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, और प्रोफेशनल एडवाइस कैसे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और भी चीज़ें, डिसीजन कैसे ले सकते हैं। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न क्या, इसमें क्या करता है ये कि जो पॉलिटिक्स से जुड़े लोग हैं इस चीज़ को स्टडी इसलिए करते हैं कि वो पॉलिटिकल जो उसका एम है, गोल है, उसको अचीव कर सके और उसको सीख सके और एडमिनिस्ट्रेशन में उसको लागू कर सके, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और पॉलिसी बनाने में, पब्लिक पॉलिसी जो बनाने में उसकी सहायता ले सके। पावरफुल अप्रोच है इम्प्रूविंग इकोनॉमिक सोशल सिस्टम में क्या है, इसमें यही है कि जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो यही फोकस करता है मेनली कि जो पब्लिक के प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जा सके। मतलब जो राजनीति से जुड़े लोग हैं या गवर्नमेंट है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो यही कोशिश करती है लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जा सके और इंटरेस्ट को कैसे बढ़ाया जा सके, ठीक है ना, सोसाइटी को कैसे बेटर किया जा सके। एंड इसीलिए वो क्या करती है कि अलग अलग पॉलिसीज़ लेके आती है, जैसे हमने बताया कि लैंड पॉलिसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स अमेंडमेंट एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, ये सब जो है। और लास्ट में हमने समझा कि फ्यूचर को कैसे सेव कर सकते हैं, तो फ्यूचर को सेव करने के लिए हमें पास्ट को जानना ज़रूरी है। और पब्लिक पॉलिसी क्या है कि एक तंत्र के रूप में काम करता है फ्यूचर को सेव करने के लिए, पास्ट को जानना ज़रूरी है फ्यूचर को सेव करने के लिए, प्रेजेंट में जो चीज़ें हो रही, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, फ्यूचर में ऐसा ना हो, इसलिए हमें इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें थी सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट में बता सकते हो और पूछ सकते हो। वैसे ये लेक्चर बहुत ज़्यादा मुझे लगता है, ठीक है ना, कि लंबा हो गया है, बट कोई नहीं, आप मेरे को बता सकते हो कोई भी चीज़ें, जो भी दिक्कतें हो रही हैं
समझने में, तो मैं उसको कोशिश करूँगा। नोट्स के लिए आप मेरे को इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।